आप सभी को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जसिका चोपड़ा है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी तथा कविता का शीर्षक है एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। इन जंजीरों की चर्चा में कितनों ने निज हाथ बंधाए, कितनों ने इनको छूने के कारण कारागार बसाए, इन्हें पकड़ने में कितनों ने लाठी खाई, कोड़े ओड़े और इन्हें झटके देने में कितनों ने निज प्राण गवाए, किंतु शहीदों की आहों से शापित लोहा कच्चा धागा, एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो उस धीरवती की जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया, घृणा मिटाने को दुनिया से लिखा लहू से जिसने अपने, जो कि तुम्हारे हित विष घोले तुम उसके हित अमृत घोलो, एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। कटी बेड़ियां और हथकड़ियां, हर्ष मनाओ मंगल गाओ, किंतु यहाँ पर लक्ष्य नहीं, आगे पथ पर पांव बढ़ाओ, आजादी वह मूर्ति नहीं जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ, हल्का फूल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने को कंधों के भुज दंडों के बल को तोलो, एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। धन्यवाद।